हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्रैंड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार अब लेकर आएंगे हॉरर कॉमेडी मूवी। जानिए क्या है फिल्म का नाम। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के जरिए दिलचस्प कहानियों को दर्शकों के सामने परोसने के लिए जाने जाते हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, बैटमैन और गोल्ड जैसी लीक से हटकर फिल्में देने वाले अक्षय अब अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना मुनी 2 में नजर आएंगे। उनकी इसी जॉनर की फिल्म भूल भुलैया भी सफलता के झंडे लहरा चुकी है। कंचना मुनी 2 तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसके हिंदी रिमेक में अक्षय कुमार को बतौर हीरो लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सबीना खान ने इस तमिल फिल्म के आधिकारिक हिंदी रिमेक खरीद लिए हैं। पता हो सबीना सुपरहिट राउडी राठौर फिल्म की भी प्रोड्यूसर हैं। अक्षय और सबीना अच्छे दोस्त भी हैं। इसके अलावा ये जोड़ी 2012 में सुपरहिट हुई अक्षय कुमार की सोनाक्षी सिन्हा स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म के सीक्वल को लेकर भी इन दोनों की जोड़ी काम कर रही है। बता दें कि तमिल फिल्म कंचना मुनी 2 के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर राघव लॉरेंस हैं। सूत्रों की माने तो हिंदी में बनने वाली फिल्म का डायरेक्शन राघव ही करेंगे। अक्षय कुमार की लंबे समय से कंचना की रिमेक को लेकर चर्चा चल रही थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट ह्यूमर के साथ हॉरर होगा। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मों की डेट भी बदलनी पड़ी है। अब आखिरकार इस फिल्म को लेकर अगले साल तक काम शुरू हो जाएगा। सलमान सोहेल से हुई थी बात। हमारे सहयोगी DNA के सूत्रों ने बताया कि कंचना की रिमेक के लिए सबसे पहले सोहेल और सलमान को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद गोलमाल अगेन के हीरो अजय देवगन से बात चली थी, लेकिन वहां भी दाल नहीं गली। फिर खैर अक्षय कुमार पर जाकर प्रोड्यूसर सबीना खान की खोज खत्म हुई। पता हो कि गोलमाल अगेन 2017 और स्त्री 2018 की फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था। उसके बाद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ध्यान हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तरफ गया। यही नहीं, 11 साल पहले आई फिल्म भूल भुलैया ने बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि ये पूरी तरह हॉरर कॉमेडी ना होकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर कंचना का रिमेक बॉलीवुड में बनता है तो अक्षय कुमार के साथ किस एक्ट्रेस को होना चाहिए इस फिल्म में, तापसी पन्नू को या किसी और को? और क्या ये फिल्म बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।